राधे राधे सभी को। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली खाटू श्याम जी के दर्शन करने, जो कि काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से। फिर बाद में पता चला मंदिर में काम चल रहा है तो अभी नहीं जा सकते, काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और राजस्थान में एक जगह पे हमने कार को साइड से लगाया और उसके बाद हमने वहाँ के ट्राई किए गोलगप्पे, जो कि बहुत भूख लगी थी क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था तो बहुत भूख लग रही थी। डर डर के खाया लेकिन इतने टेस्टी थे, सोचा नहीं था, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे को तो बहुत अच्छे लगे, दो बार मैंने खाए। और ऊपर से इनका जो मसाला था ना वो खुद का बना हुआ था, मैंने खुद देखा, मतलब इतना अच्छे से वो पापड़ी जो देते ना वो भी बहुत टेस्टी थी। तो उसके बाद फाइनली हम सीकर आ चुके हैं, यानी कि बाबा के दरबार से कुछ ही किलोमीटर दूर है, यानी कि समथिंग 1-2-3 किलोमीटर कह सकते हैं आप। इस दरवाजे को सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं आप। और जो हमारा होटल था उसका नाम था सांवरिया भवन, जो कि हमें पहले कॉल करने पे उन्होंने क्लियरली मना कर दिया, बट हम जब वहाँ पर गए और हमने विज़िट किया तो हमने उनसे पूछा कि हमें रूम मिल सकता, तो उन्होंने तुरंत दे दिया। एक्चुअली क्या है, लोग यहाँ पे बुकिंग कराने के बाद आते नहीं हैं, तो वो लोग सीधे क्लियरली फ़ोन पे मना कर देते हैं। तो आप जब भी जाएँ तो आप वहाँ पे खुद विज़िट करें और आपको रूम ज़रूर मिलेगा, और काफ़ी बजट फ्रेंडली मिलेगा। 1200 से 1500 के बीच में मिल जाएगा एसी रूम आपको, नॉन एसी भी है शायद, पता नहीं है मुझे इतना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना क्लियरली, मतलब नीट एंड क्लीन है। और आपको इसमें, आप 4 लोग आराम से एक रूम में रुक सकते हैं, बट शायद वो देते नहीं हैं, वो लोग सिर्फ 2 लोगों के लिए ही एक रूम देते हैं। तो फाइनली हम उनकी किचन में भी आ गए, जो कि उनका खुद का किचन है होटल वालों का, जिसका नाम है रसोड़ा, जो कि काफ़ी शुद्ध शाकाहारी और टेस्टी खाना देता है। और यहाँ पे दाल है, आलू, और ये एक है ना कच्ची कैरी की सब्ज़ी है, जो कि मतलब प्योरली कच्ची कैरी थी और खट्टी मीठी सी सब्ज़ी थी, काफ़ी अच्छी थी ये भी। और आलू की सब्ज़ी और भी एक और सब्ज़ी थी जो मैंने ली नहीं, और मतलब अचार वगैरह, काफ़ी टेस्टी खाना था। अनलिमिटेड खाना है, इसका आपको चार्ज अलग देना पड़ता है। सो फाइनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, और वो टाइम आ ही गया आखिर जब हम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और हम यहाँ पे समथिंग 6 बजे करीब हम निकल गए थे दर्शन के लिए, क्योंकि टाइम लगता है ना जाने में भी, और भीड़ भी काफ़ी होगी उसके हिसाब से, तो इसलिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्पेशियस है, मतलब आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ इस भवन में मिलेगी। मतलब भवन कम, मुझे तो ये एक होटल बहुत अच्छा लग रहा था, 3-स्टार होटल कह सकते हैं आप इसे। मतलब एक ये ट्रस्टी था, मतलब ट्रस्ट का था, तो मतलब काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था उन लोगों ने। और यहाँ पे ये उनकी गलियों में हम यहाँ पे घूमते हुए, जो कि यहाँ पे रिक्शे वगैरह वहाँ तक नहीं छोड़ते मंदिर तक, तो कोई मतलब नहीं है, तो हमने सोचा हम पैदल ही जाएंगे। और फाइनली हम आ चुके यहाँ पे, आके देखा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर हम सीधे VIP लाइन की साइड गए, जहाँ पे हमने VIP लेन में दर्शन किए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से और मेरे को थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस वजह से हम लोगों ने VIP लेन को चूज़ किया था। और दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे हम लोगों ने, मतलब आप देख सकते हैं, पता नहीं था कितनी देर में नंबर आएगा, कुछ आइडिया नहीं था इस वजह से। और जैसे ही हमने दर्शन कर लिए, उसके थोड़ा सा आगे आके हमने मन्नत का धागा जैसे भी बांधा, वो हमें ही पता है, उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके हमें उन्होंने वहाँ पे बांधने दिए। फिर उसके बाद बाहर जैसे आप मंदिर के आएंगे, वैसे ही आपको ये यहाँ पे मन्नत के धागे आप बांध सकते हैं। मतलब पहले जैसा, मतलब बाबा जी का दरबार नहीं है, मतलब अब काफ़ी कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया, मतलब मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा जब इससे पहले मैं आई थी, जो पुराना मंदिर था वो ज़्यादा अच्छा लगता था, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता था, इस बार वो मज़ा नहीं आया। और फिर फाइनली हम यहाँ से निकल कर के दूसरे और भी जो पास में जो मंदिर थे वहाँ पर गए, जहाँ पे जैसे कि श्याम जी का कुंड हुआ, तो वहाँ पे भी हम गए थे। और मतलब वहाँ का लोकल मार्केट भी हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया था। तो हम यहाँ पे फाइनली आ चुके श्याम जी के कुंड पर, जहाँ पर उनका मतलब स्नान लोग करते हैं, मान्यता है कि मतलब यहाँ बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो हमने भी सोचा चलो हम भी थोड़े से अपने जो शरीर में रोग हैं उनको मिटाने के लिए चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए यहाँ पे, हमने देखा कि बच्चे तो आराम से स्विमिंग कर रहे हैं, मतलब गहरा है ही नहीं, मतलब कितना आपको बोलूँ, बच्चे खड़े हो रहे हैं उसमें और उनके घुटनों तक भी शायद वो पानी नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी, मतलब आप गिर सकते हैं, तो इसलिए आप केयरफुली उतरें जब भी उतरें। यहाँ अगर यहाँ पर आएँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, लिटरली मैं भी गिरते गिरते बची थी, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और लोग नहा के जा रहे थे। और ये है प्राचीन कुंड, जहाँ पर लोग मान्यता है कि यहाँ का पानी अगर आप घर ले जाते हैं और वहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, मतलब कोई भी बीमारी है, आप उसे पिलाएं तो उसके रोग मतलब सही हो जाते हैं, मान्यता है। तो हमने भी ले लिया, तो यहाँ पे हमने लिया, लेकिन यहाँ से नहीं लिया है, मतलब कुंड में से डायरेक्ट नहीं लिया, हमने शॉप से लिया है।
जाके, और यहाँ पे आरती हो रही थी तो आरती का समय हो गया था, तो हमने आरती की बट हम बाहर ही खड़े रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी अंदर। और यहाँ पे मैंने देखा ये आंटी कैसे जाएंगी, मैं तो डर रही थी, मतलब मैं उन्हीं को देख रही थी। और यहाँ पे जैसे हम जा रहे थे रास्ते में तो हमने देखा लोग निशान लेके जा रहे हैं बाबा जी का, इसको झंडे को निशान बोलते हैं, जो कि रिंगस से उठाया जाता है, जो कि खाटू श्याम जी के मंदिर से सीकर से 17 किलोमीटर की दूरी में है, जो कि मतलब डिफरेंस पड़ता है इतना। तो फाइनली काफ़ी अच्छे से दर्शन करने के बाद बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्रेड पकौड़े पैक कराए जो कि मतलब सही थे, मतलब अच्छे लगे टेस्ट में। पर यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जो ब्रेड पकौड़े होते हैं मतलब आपको कचौड़ी वगैरह मिलेंगी वो कढ़ी से मिलती हैं, जो हम कढ़ी बनाते हैं ना घर पे अपने, उस कढ़ी से मिलती है, चटनी या सब्जी से नहीं मिलेंगी आपको। तो यहाँ का कोई ये मिठाई थी जो ये ट्राई कर रहे थे। फिर हमने वहाँ पर शॉपिंग है वगैरह की, कंगन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे थे, जो कि काफ़ी प्यारी डिज़ाइंस थी, जुतियाँ वगैरह मतलब बहुत अच्छे, मेरा तो दिल आ गया इस बैंगल पे। फाइनली फिर हम आ गए वापस अपने सांवरिया भवन, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो मेरा दिल खुश हो गया। मैं जब कभी भी आऊँगी तो यहीं रुकने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बजट फ्रेंडली और सबसे मेन चीज़ सिक्योरिटी, हर चीज़ आपको वहीं पे अवेलेबल है, जाने की ज़रूरत नहीं है बाहर कहीं पे भी। और इसके बाद हमने फाइनली डिसाइड किया अब हम थोड़ा और रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम डिनर वगैरह करेंगे। और फिर भैया ने बोला देखो भाभी वो क्या है वृंदावन धाम, मतलब किसी वृंदावन वाले ने यहाँ पे भी एक गेस्ट हाउस बनवाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो फाइनली फिर हम अपने रूम में आ गए, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे, पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा पोज वोज मारा। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद हम निकल लिए खाने की तलाश में, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पेट में चूहे कूद रहे थे, काफ़ी लेट भी हो चुका है, समथिंग 10 बजे हम निकले थे। और जिसके बाद हमें एक थोड़ा सा अच्छा सा होटल मिल ही गया फाइनली, बट वहाँ पर हमें सिर्फ खाना ही मिला, वहाँ पर कुछ भी स्टार्टर नहीं था, क्योंकि वो कह रहे थे ख़त्म हो चुका है। तो फिर हमने खाना खा के ही काम चलाया, और उसके बाद मेरे मज़े आ गए, प्याज मिल गई मेरे को, तो मैं तो प्याज लवर हूँ कह सकते हैं आप। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। बाय बाय।